हेलो गाइस, आप लोग का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज की जर्नी हम लोग कर रहे हैं ट्रेन नंबर 11020 भुवनेश्वर CSMT मुंबई कोनार्क एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम भुवनेश्वर में खड़े हैं और आज की वीडियो में आप लोग को शंटिंग या लोगो कपलिंग नहीं दिखा रहे हैं, तो आप लोग बोर हो जाएगा एक ही चीज देख देख के। और हम आप लोग को बोर कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए आज हम आप लोग को विशाखापट्टनम में इसका लोको रिवर्सल दिखाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम पेंटोग्राफ को ऊपर कर चुके हैं, मार्कर लाइट्स भी ऑन हो चुका है। तो बिना देर के यहाँ से डिपार्ट करते हैं। योर काइंड अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1, 2, 6, 5, 5 पैसेंजर एक्सप्रेस इज शेड्यूल्ड। और ये आप लोग देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट कर रहे हैं और हम लोग का अगला स्टॉप है विशाखापट्टनम। तो वहाँ पे उनका अराइवल टाइम है 3:50, अभी 3:16 हो रहा है। वहीं पे आप लोग हम दिखाएंगे लोको रिवर्स। तो बस वीडियो में पूरा बने रहिए, आज बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए थोड़ा स्पीड लेते हैं, थ्रॉटल को और इंक्रीज कर दिए, 60% पे कर दिए, सिग्नल में क्लियर है। और आज आप लोग देख सकते हैं वैप जो लोगों ने दिया गया था हम लोग को, आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। तो पीछे तरफ आ गए, आप लोग यहाँ से देखिए डिपार्चर, आगे आप लोग देख सकते हैं मगर ट्रैक चेंज होने वाला है। तो बस ज़्यादा स्पीड नहीं लेंगे, 40 किलोमीटर पर आगे स्पीड रखते हैं, उसी स्पीड में करेंगे हम अपना ट्रैक चेंज। और दोस्तों, वीडियो मेरा अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। और आज की जो जर्नी होने वाली है, हम लोग करेंगे विजयवाड़ा तक। इस ट्रेन की जर्नी हम लोग करेंगे पुणे तक, जो कि टोटल 3 पार्ट में रहेगी। ये तो पार्ट वन है, आज आप लोग पार्ट वन इंजॉय कीजिए। और ये हम लोग का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बस यहीं पे हम लोग का होने वाला है ट्रैक चेंज। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हो रहा है ट्रैक चेंज, पूरा ट्रैक चेंज है। हम लोग लेंगे स्पीड, स्टेशन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आ रहा है, जो कि होना ही चाहिए क्योंकि ICF कोच है, उससे ज़्यादा स्पीड ये ट्रेन जा भी नहीं सकती। और वैप 4 लोकोमोटिव है, तो एक्सलेशन भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तभी ठीक ठाक एक्सलेशन मिल जाता है वैप 4 से भी। और ये भी लोग ब्रिज पे जाने वाले हैं, टोटल वापस हम 100% पे कर चुके हैं। दिल्ली से चलते हैं 110 किलोमीटर आगे स्पीड में, जो हमें पक्का ही लेट हो जाएंगे आज ही, क्योंकि यहीं पर भी 3:40 होने वाला है। चलिए, हम आप लोग को वीडियो स्टार्टिंग में ही वैप 4 लोकोमोटिव का इंटीरियर से जर्नी करा देते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम बाद तो लोकोमोटिव हम लोग को मिलने नहीं वाली है, शायद मिल भी जाए वापस से वैप 4 तो आगे पता चलेगा। तो वीडियो देखते रहिए पूरा। और ये अभी हम लोग अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड तक पहुंचने वाले हैं, फिर से थोड़ा सा ब्रेकिंग करना होगा, आगे हम लोग लेफ्ट की ओर मुड़ जाएंगे विशाखापट्टनम, हम अगर सीधा चले जाएँ तो विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। तो शार्प ब्रेकिंग करना पड़ रहा है, बस यहीं पर हम लोग होने वाला है ट्रैक चेंज। हम लोग वापस से वहाँ की ओर आ गए, जिससे हम लोग देख पाए कि हम लोग पूरा ट्रेन आया है कि नहीं। हम लोग स्पीड ले सकते हैं, हम लोग ट्रैक चेंज हो चुका है। हम लोग सब कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे विशाखापट्टनम, हम लोग अभी लेट ही पहुँचने वाले हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा टाइम। वो ट्राई करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हम लोग का लोको चेंज हो जाए, जिससे कि हम लोग जल्दी से डिपार्ट कर पाएँ विशाखापट्टनम से। दोस्तों, भी आप लोग देख सकते हैं लोग विशाखापट्टनम पर अराइव कर रहे हैं, लगभग 10 से 15 मिनट लेट पहुँचे हम लोग यहाँ पे भी।
हम लोग प्लेटफॉर्म में शायद 2 या 3 पे अराइव कर रहे हैं, आगे जाके देखते हैं। हम लोग राइट साइड में लोग देख सकते हैं ट्रेन खड़ी है, WCM फुल ओम लगा हुआ था, एक पैसेंजर ट्रेन है, उसका आप लोग देख सकते हैं। हम लोग ना ही 2 पे अराइव कर रहे हैं ना ही 3 पे अराइव कर रहे हैं, लोग प्लेटफॉर्म 4 पे अराइव कर रहे हैं विशाखापट्टनम के, और प्लेटफॉर्म 5 पे खड़ी थी पैसेंजर ट्रेन जिसका की डिपार्चर भी हो चुका है। 2611 गरीब रथ हमारे 20 मिनट लेट पहुंचे एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म, तो बिना टाइम वेस्ट किए जैसे लोग को रिवर्सल कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग को विशाखापट्टनम से वैप 7 लोकोमोटिव दिया जा रहा है आगे ले जाने के लिए अपनी ट्रेन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से जल्दी चलते हैं, कपल कर लेते हैं अपनी ट्रेन के साथ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को हम जल्दी से इसका इंटीरियर दिखा दें वैप 7 का, बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे लेकिन यहाँ से जर्नी करने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज आप लोगों को कपलिंग हम यहीं से दिखाने वाले हैं, और विशाखापट्टनम के बाद हम लोग जब डिपार्ट करेंगे तो सुबह उससे विजयवाड़ा रुकेंगे, तो इतना शॉर्ट डिस्टेंस में आप लोग को दिखाना मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग अभी देख लीजिए, उस समय होगा तो आप लोग को हम पैसेंजर भी उससे जर्नी दिखा देंगे। दोस्तों तो हम लोग आ गए अपने कोच के पास, आज अंदर की तरफ से हम लोग देख लेते हैं पूरा कपलिंग, थोड़ा यूनिक होगा तो आप लोगों को हम बार बार बाहर की तरफ से दिखाते हैं। अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1 2 6 5 5 पैसेंजर एक्सप्रेस इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। दयचेसी विनंती ट्रेन नंबर 1 0 वापस से टॉप एंगल पे आ गया, मतलब हम लोग कैब यूज नहीं दे सकते कपलिंग, प्लेटफॉर्म तुम साइड एंगल पे आ जाते हैं वही सही रहेगा। की वस्तुंदी पैसेंजर्स योर काइंड अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1 0 2 0 1 गुड्स एक्सप्रेस वापस से टॉप एंगल पे आ गया, आप लोग यहां से देख लीजिए थोड़ा सा कपलिंग, आज के वीडियो में आप लोग हम दोनों एंगल से दिखाएं कपलिंग, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए जाके जैसे वीडियो को। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग का आज कपलिंग बिफोर टाइम हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की शिकायत दूर हो गई होगी कि हमारा कपलिंग हमेशा लेट होता है, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का कपलिंग। चलिए सब वीडियो वगैरह स्किप कर देते हैं क्योंकि आप लोग दिख ही रहा होगा कि हम लोग के ट्रैक से कोई ट्रेन है, तो टाइम है क्लियरेंस मिलने में, तब तक वीडियो स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग को सिग्नल क्लियर मिल चुका है और हम लोग ट्रैक पे गरीब रथ एक्सप्रेस थी जो कि अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म 5 पर। तो चलिए हम अपना टाइम स्कैन से डिपार्ट करते हैं, इससे पहले हम लोग को अपने पैंटोग्राफ को चेंज करना होगा, मतलब पीछे वाला पैंटोग्राफ को ऊपर करना होगा, पीछे पैंटोग्राफ ऊपर हो चुका है, हेडलाइट भी ऑन कर देते हैं, रात हो चुका है देख सकते हैं 6 बजने वाला है। चलिए डिपार्ट करते हैं यहाँ से, पूरा रेडी 5 पैसेंजर एक्सप्रेस इज शेड्यूल्ड डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं हम लोग, थोड़ा बस अभी 40% पे रखें, उससे ज्यादा लेंगे नहीं। दयचेसी विनंती, हम लोग का अगला स्टॉप है विजयवाड़ा, जैसे आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, 6 वहाँ पे हमारा राइट टाइम है 6:55 गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर, गरीब रथ का देख लेते हैं लोकोमोटिव क्या लगा हुआ, आगे चल के देख लेते हैं। इसका भी वैप 7 लोगों में लगा हुआ है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं विशाखापट्टनम का डिपार्चर भी कंप्लीट होने ही वाला है, और विजय ट्राई करते हैं कि हम लोग टाइम पे पहुँचाए, कपलिंग तो हम लोग बिफोर टाइम कर लिए थे लेकिन हम लोग को गरीब रथ की वजह से रोक दिया गया था यहाँ बहुत देर तक, तो पूरा कोशिश करेंगे हम लोग विजयवाड़ा भी टाइम पे पहुँचा दें किसी तरह से।
ट्रैवल 100% पे कर देते हैं, जल्दी ऐसी स्पीड लेते हैं, आपके वैप 7 का मोटिव है हमारे पास, तो हम तुरंत स्पीड पकड़ लेंगे, कोई टेंशन का बात है नहीं है। दूसरा बल देख सकते हैं, एक गुड स्ट्रीम को ओवरटेक करने वाले हैं, एकदम फ्लैट 110 किलो पर आगे उसने ओवरटेक कर रहे हैं गुड स्ट्रीम को। डब्ल्यू सी एम फोल एमली लगा था गुड स्ट्रीम का, फोल वाली गुड स्ट्रीम थी, वापस से ब्रेक सप्लाई कर दी है। हम लोग भुजाड़ा की ओर मुड़ेंगे तो अभी हम लोग यहाँ पे होने वाला है ट्रैक चेंज। अभी जो हम लोग गुड स्ट्रीम को ओवरटेक किए उसमें डब्ल्यू सी एम 3 लगा हुआ था, 4 नहीं, गलती से हम डब्ल्यू सी एम 4 बोल दिया था। और यहाँ पर हम लोग का ट्रैक चेंज हो रहा है, हम लोग 35 मिनट पर आगे स्ट्रीम में। चलिए उस समय ट्रैक चेंज हो चुका है, अभी हम लोग वापस से आ गए हैं भुवनेश्वर विजयवाड़ा लाइन पर, और वापस हम लोग ट्रैवल को 100% पे रखें जिससे जल्दी से हम लोग स्पीड अचीव कर पाएँ। विजयवाड़ा भी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, थोड़ी दूरी पर हम लोग बस समझिए हम अराइव करने ही वाले हैं। धीरे धीरे ब्रेक सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, हम प्लेटफॉर्म पर एंटर कर ही रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर हम लोग 1 पे या तो 2 पे अराइव कर रहे होंगे, देख लेते हैं आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म में हम लोग 1-2 दोनों पे अराइव कर रहे हैं, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और बस हम लोग अपनी ट्रेन वहीं पे रोक देंगे। अभी आप लोग देख सकते हो टाइम से बिफोर पहुंच चुके हैं, इतना लेट होने के बाद भी उन्होंने बिफोर टाइम पहुंचा दी विजयवाड़ा, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर इस तरह के कंटेंट देखने मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।